हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो इसमें जो भी ये जो बुक है आप देख रहे हैं सामने, लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको रीड करने चाहिए, उन सभी फैक्ट को मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको आपके बुक में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शायद आपको ना पता हो कि हम कौन सा कारवा लेके चले थे और कहाँ तक हम आज पहुँच चुके हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाइए लुसेंट वीडियो जीके की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको इस बुक के जितने भी वीडियो मिलते हैं उन सब वीडियो का आपने देखना है और साथ साथ में ये बुक लेकर के अपने पास बैठना है, उसमें हाईलाइट करना है। किसी भी कलर से आप हाईलाइट करिए या अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करने के बाद में उसका रिविज़न भी करना है, ठीक है। एक वीडियो कम से कम दो बार वॉच करना, उसके बाद में आप रिवीजन करना। कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, उन सब वीडियो में और आज के इस वीडियो में भी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो बात है हमारे सामने, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? ये गठन हुआ था 1962 में, और ये जो गठन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता में किया गया था। किसके अध्यक्षता में इसका गठन करा गया था? तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, मतलब इसरो का गठन कब हुआ। आपको वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं देगा ये, और आपको कभी कभी वो केवल सिंगल ये वर्ड दे सकता है कि इसरो का गठन कब हुआ। तो आपको याद रखना है, वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन हुआ था। अगर पुनर्गठन के बारे में बात करें तो वो हुआ था 15 अगस्त 1969 में। अगर वैसे बात करें सिंपल गठन कब हुआ था तो ये हुआ था 1962 में। गठन तो हो गया था लेकिन बीच में कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रुक गया था, उसके बाद में दोबारा से इसका पुनर्गठन हुआ था 1969 में, और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बाद ये जो पॉइंट है आपके, ये अंतरिक्षयान के नाम वगैरह ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक अपोलो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आप अपोलो को हाईलाइट कर लेना, अपोलो आपका ये रहा। तो इसमें क्या होता है, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला एक मानव बना जिसने पहली बार क्या करा, चंद्रमा पर कदम रखा। तो उनका अंतरिक्षयान का नाम क्या था? उनके अंतरिक्षयान का नाम था अपोलो 11, ठीक है। इसके बाद एडविन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। ये सबसे पहली बात करते हैं, फर्स्ट कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अब थोड़ा नीचे आ जाइए बुक में, मतलब बुक को अपना चेंज करिए पेज उसका। अब आप ये देखिए, भास्कर फर्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ तो इसमें जो होगा संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटर कॉसमोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सब हुआ, ठीक है। और समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था, इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। भास्कर फर्स्ट ने कब कार्य करना बंद कर दिया? तो ये कर रहा था 1981 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका पूरा कंट्रोल किसके पास में था? पूर्व सोवियत संघ के पास में इसका पूरा केंद्र था। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सफलता पूर्वक प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कौन कौन से थे, किस तिथि को वो लॉन्च करे गए, और प्रक्षेपण केंद्र क्या था, कहाँ से लॉन्च करे गए, वो स्थान कौन सा था, और उसका कार्य क्या था। तो GSAT-8 के बारे में 2011 के बाद में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो था इसका प्रक्षेपण यान का नाम था एरियन, प्रक्षेपण केंद्र था जो इसका वो था कोरू, और इसका कार्य क्या था, संचार कम्युनिकेशंस के बारे में ये फंक्शन करता था, काम करता था। फिर है GSAT-12, 2011 में दोबारा लॉन्च हुआ, एक GSAT-8 हुआ, फिर हुआ 12, और प्रक्षेपण यान जो था इसका था PSLV-C-17। तो आपको ये दोनों के दोनों ही हाईलाइट करने हैं और याद करने हैं, और इसका प्रक्षेपण केंद्र क्या था, इसका प्रक्षेपण केंद्र थोड़ा चेंज करना पड़ा इनको, ये था आपका श्रीहरिकोटा। सेम संचार दोनों सेम रहे थे। उसके बाद में GSAT-14 जो था, GSLV-D5 से लॉन्च हुआ था ये, और इसका केंद्र जो था कहाँ से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा से हुआ था। इसका फंक्शन था संचार कम्युनिकेशंस का। तो ठीक है, आपको याद रहेंगे केवल तीन है जो आपको याद करने हैं, बाकी की ये ढेर का ढेर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
क्वांटिटी पे नहीं, मेरे हिसाब से क्वालिटी पे फोकस करा करो आप, ठीक है। चलिए देखिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर इसके वाइन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत करी थी। उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, ठीक है। किसने पूछा था, किससे पूछा था, आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा था सोवियत संघ अंतरिक्ष केंद्र पर। के वाइन लीडर थे एक, मतलब स्काई वाइन बोलते हैं इसको, तो ये राकेश शर्मा से बातचीत करी थी। उन्होंने पूछा था कि हमारे भारत को आपने देखा था अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो शर्मा जी का उत्तर था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। तब से ये नाम पड़ा, तब से ये स्लोगन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नाम राकेश शर्मा, इंदिरा गांधी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। इंदिरा गांधी ने पूछा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन सी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कल्पना चावला, और इनकी डेथ हो गई। इनके जब वापस, जो इनका यान वापस आया, तो उस टाइम पे क्या हो गया, अंतरिक्ष यान जब जाता है ना आसमान की तरफ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन रिवर्स लौटना बहुत ही हानिकारक होता है। सबसे ज्यादा डेंजर जो जोन होता है एक अंतरिक्ष में पहुंचने का, वापस आने का जो ट्रेवलिंग टाइम होता है रिवर्स का, जो वापस जो आता है रिवर्स में, तब उसमें ज्यादा डेंजर जोन बनता है। तो यही केस हुआ था, वापस आते समय कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। कब हुई थी, 2003 में हुई थी, और उनके यान का नाम क्या था, कोलंबिया के मिशन। इनका अंतरिक्ष यान था कोलंबिया था इनका, और मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर बाद ही ये नष्ट हो गया, मतलब कुछ ही मिनटों का फर्क था, पहुंचते ही ध्वस्त। चंद्रमा फर्स्ट मतलब चंद्रयान 1, तो देखिए चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन जो था, चंद्रमा को लेकर के भारत ने पहला मिशन कौन सा बनाया था, चंद्रयान 1। यह विश्व का 68 चंद्र अभियान था। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश अंतरिक्ष केंद्र से करा था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब करा था, 2008 में करा था, और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वान मतलब PSLV C-11 के जरिए किया। उसके बाद देखिए, भारत का पहला चंद्रयान अभियान चंद्रयान 1 था, अभी हमको चला पता, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि फर्स्ट जो था चंद्रमा का पहला मिशन था उसका नाम था चंद्रयान 1, ठीक है। और उसके साथ में एक राष्ट्रीय ध्वज भी दिया गया कि आप इस ध्वज को ले जाओ ऊपर चंद्रमा के यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में इसको कहाँ पर, किस सतह पर स्थापित करा गया, वो सतह का नाम बताइए। अब ये क्वेश्चन जो था एक्चुअली स्टेट PCS के प्रीलिम्स GS पेपर जो 1 होता है ना, एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं आपके, पेपर 1 में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और SSC CGL के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मून इम्पैक्टर प्रॉब चंद्रमा की सतह पर ये स्थापित करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कि इसरो की योजना वर्ष 2015 तक चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने की थी, यह है। आगे बात करते हैं GSLV। GSLV की फुल फॉर्म क्या है, बस केवल आपको इतना पता रखना है GSLV की फुल फॉर्म। आप ध्यान से वीडियो को पॉज कर लीजिए, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को अपनी बुक में, और उसको याद कर लेना। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी क्या होती है, देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है निम्न तापी मतलब कम ताप में। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब है क्रायोज। ये क्रायोज से बना है जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न तापिकी विज्ञान में 0 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। कहाँ से, 0 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक के बीच में। अब इसकी विशेषता क्या क्या होती है, विशेषता हम पढ़ लेते हैं। विशेषता सबसे पहली बात ये होती है कि क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव्य हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन में से दहन होता है, ऊर्जा इससे पैदा होती है। किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दोनों ही चीजें क्या होती हैं, लिक्विड में होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान, डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। अब हम बात करते हैं बार्क के बारे में। बार्क जो है ट्रॉमा मुंबई में स्थित है। बार्क का जो है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। प्रायोगिक रिएक्टरों को 0 पावर रिएक्टर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर करा जाता है। अब बार्क के कुछ परमाणु रिएक्टर हैं, उनके नाम, रिएक्टर के नाम, और किस वर्ष वो बने, और उनकी क्षमता क्या थी। देखिए क्षमता मेगावाट में होती है, मेगावाट वगैरह आपसे एग्जाम में
नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि अप्सरा रिएक्टर का निर्माण वर्ष बताइए, इसका निर्माण कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1965 में। उसके बाद आपको याद करना है साइरस का कब हुआ था। और साइरस के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको अप्सरा याद करना है, आपको याद करना है इसमें साइरस, साइरस के बाद में आपको केवल और केवल याद करना है आपका ध्रुव 1985। ठीक है, ये तीन चीज़ याद करनी है आपको। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, फिलहाल परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य प्रमुख इकाई क्या होती है, संस्थान के नाम और उनकी स्थिति, वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ भी स्किप नहीं कराना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भी स्किप करने का मतलब है कि एग्जाम में रिस्क, क्योंकि ये चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं। गुरु जल बोर्ड कभी हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो आपने ये भी देखा होगा वहाँ पर है इम्पोर्टेंट, सभी आपको सारे याद करने हैं। अब हम बात करते हैं तारा, ये तारापुर परमाणु जो विद्युत ग्रह है कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में, इसका निर्माण वर्ष क्या है 1972। नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, 1991 में इसका निर्माण हुआ था। और उसके बाद हम बात करते हैं कुडनकुलम परमाणु विद्युत, ये था आपका कन्याकुमारी में है, और इसका निर्माण वर्ष चेंज होते रहा था, इसका कोई फिक्स वर्ष नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। तो देखिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। और उसके बाद हम बात करते हैं डीआरडीओ बोलते हैं इसको। देखो डीआरडीओ के प्रमुख जो होते हैं महानिदेशक, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। तो इसके प्रमुख कौन बनते हैं? जो रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। तो इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इस संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग संस्थान कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें केवल आपको तीन याद रखने हैं, हिंदुस्तान, भारत और मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है आपका बेंगलुरु में, स्थापना हुई थी इसकी 1964 में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, और स्थापना हुई थी इसकी 1973 में। इसमें एक्चुअली एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ चीजें कम एक्स्ट्रा मतलब जोड़ के इसमें क्या बताऊं। इसमें एक्चुअली पहले से ही इतना दे रखा है कि बस अब पता ये करना है कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ने हैं इस बुक में, अदरवाइज बुक के तो पेज बहुत सारे हैं, आप स्टार्टिंग से एक लाइन पढ़ोगे फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। एक एक चीज़ को आप हाईलाइट करोगे, पूरा एक एक पन्ने को कम्प्लीट भर दोगे, तो टाइम भी खर्च होगा, आपका मार्कर भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि तो मेरे पास कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप तो कुछ चीज़ें स्किप करवा रहे हैं, आप एक एक लाइन पढ़ा करें वीडियो में, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ऐसे भी कमेंट आते हैं, एक ही लाइन में क्यों पढ़ूँ बताइए ना मुझको आप। मैं केवल क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ, तो क्वालिटी होनी चाहिए। और पेटीएम नंबर जो मैंने दे रखा है ना आपको, एक्चुअली उसमें से बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर आप कुछ स्किप मत करा करिए, कुछ भी स्किप मत कराओ, एक एक लाइन को पढ़ो। मेरे पास 5-6 से ऊपर कॉल ऐसे आई है, अब मैं उन्हें क्या समझाऊँ आप बताइए। तो उनको मैं बस केवल यही कहना चाहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब नैरोलैक का डब्बा आता है, कोई भी कलर का आप जो आपको सुटेबल हो, पिंक येलो, उसको आप इस रोलर से भिगो दीजिए और एक एक पेज पे उस पर लगा दीजिए, आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रियल में बड़ा अजीब लगता है कि हम बिजी होते हैं, मैं किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, अचानक से कॉल आती है, वो भी ऐसे क्वेश्चन जब वो करते हैं, तो उन्हें मैं क्या समझाऊँ बताओ। चलिए फिलहाल बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी जो होती है जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। और देखिए जमीन से जमीन पर ये वार करता है, आपको ये बैलिस्टिक वैलिस्टिक याद नहीं करना है, आपको केवल याद करना है पृथ्वी क्या करता है, जमीन से जमीन पर वार करता है। उसके बाद त्रिशूल क्या करता है, ये भी जमीन से हवा में मार करता है। जमीन से हवा में त्रिशूल, जमीन से जमीन पर पृथ्वी, और जमीन से हवा पर, जमीन से हवा पर क्या, आकाश, आकाश में त्रिशूल, आकाश में क्या है, हमने त्रिशूल फेंका। तो आकाश में त्रिशूल का मतलब कि आपने त्रिशूल कहाँ से फेंका, जब आप जमीन पे खड़े थे आपने हवा में उछाला, तो त्रिशूल और आकाश दोनों क्या है, जमीन से हवा पर मार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी शायद। अब हम बात करते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि की 3 स्टेज है, 1, 2, 3, और जमीन से जमीन पर ये वार करती है। टैंक नाग, नाग मतलब टैंक, टैंक के अंदर क्या डाल दिया हमने, नाग डाल दिया। ठीक है, अगर टैंक में अगर हम नाग डाल देंगे तो क्या होगा, खलबली मच जाएगी बहुत ज़्यादा। तो नाग क्या होता है, नाग टैंक से संबंधित है,
और इसका जो एक स्लोगन है वो है दागो और भूल जाओ, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी इसको कहा जाता है। दागो और भूल जाओ किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है नाक को। यह किस प्रकार का? यह है टैंक रोधी। उसके बाद बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। देखिए बैलिस्टिक से आशा है ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाता है, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। फिर है आपका क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? अपने लक्ष्य को खोज कर ये खुद प्रहार करता है, ठीक है। इसके अंदर कोडिंग फिक्स कर देती है कि इतने डिस्टेंस पे आपको मार करना है। अब बस इसको लॉन्च कर दिया, वो अपने अकॉर्डिंग अपना स्पेस अपना जगह ढूंढ लेगा, मार गिरा करके वापस आ भी जाएगा, ठीक है। तो एक मिसाइल है, अपनी खोज खुद करती है। अब हम बात करते हैं धनुष के बारे में। धनुष क्या है? जमीन से जमीन पर मार वार करती है। और उसके बाद में सागरिका, सागर से बना है सागरिका, तो ये सागर से संबंधित है, ठीक है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया था। तो यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध, मतलब कि युद्ध सामान ले जाने के लिए सक्षम होता है। तो सागरिका मतलब समुद्र के भीतर जाकर के ये वार करता है। फिर हम बात करते हैं अस्त्र के बारे में। अस्त्र हवा से, हवा में ब्रह्मोस। ब्रह्मोस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है, ये भारत एवं रूस के साथ में संयुक्त परियोजना के तहत ये विकसित हुआ है, ठीक है। किसके साथ में? रूस और भारत के साथ में, क्योंकि पहला जो वर्ड है वो है ब्रह्मा। तो ये ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? एक नदी का नाम है। तो पहला जो नाम दिया गया है वो इंडिया के अकॉर्डिंग दिया गया है। सेकंड जो नाम है वो है मोस। मोस का मतलब, मोस भी एक नदी है लेकिन ये कहाँ की? रूस की नदी है। जैसे आप देख रहे हैं मस्कवा या मोस्कवा। मोस्कवा नदी कहाँ की है? ये है आपके रूस की। और ब्रह्मा कहाँ की है? ये है आपकी ब्रह्मा या ब्रह्म नदी। तो ये है आपकी इंडिया की। दोनों की पहली पहली नाम मिला करके बना है ब्रह्मोस। हमको लगता है कि ब्रह्मोस केवल इंडिया की है, इंडिया की नहीं है। ये एक्चुअली रूस और इंडिया के साथ में, सहयोग के साथ में, संयुक्त एक परियोजना के तहत ये बनाया गया। फिर है आपका पिनाका। पिनाका देखिए यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को एआरडीई पुणे में निर्मित किया गया, तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया। और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और देखिए भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में और एसएससी एमटीएस और 10+2 के एग्जाम में। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं पूछेगा, सीसेट वगैरह, ये जो आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं वहां पर ये नहीं पूछेगा। वहां पर आपकी इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष आप याद रखिएगा 1942 में। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर हम बात करते हैं परख नली। शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है, इसके बाद भ्रूण को क्या करता है? माता के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप ये भी एक चीज याद कर लेना कि निषेचन कहाँ पे होता है। निषेचन होता है परख नली के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में एक श्रीमती लेस्की ब्राउन ने विश्व के सबसे पहले परख नली शिशु को जन्म दिया। उसका नाम क्या था? सबसे पहली परख नली शिशु का नाम क्या था? उसका नाम था लुइस ब्राउन। आप याद रखिएगा लुइस ब्राउन। उसके बाद देखिए मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा आसमान में लगा देते हैं। आसमान में इन द सेंस की जमीन में बांध करके उसका जो गुब्बारा होता है, जो गुब्बारा मतलब कि हवा में उड़ने वाला गुब्बारा होता है ना, तो उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। तो उसका पता लगाते हैं कि मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, हवा का क्या गतिविधि चल रही है, ज़्यादा तेज जा रहा है, किस स्पीड से वो कम हो रहा है। तो ये चीज़ें गतिविधियाँ पता लगाने के लिए, मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में पता लगाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करा जाता है? तो वो है हीलियम गैस। हीलियम गैस गुब्बारे से भर देते हैं, तो गैस का नाम आपसे पूछ लेता है। फिर हम बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? ये है आपका पुणे में। कहाँ पर है? ये है आपका पुणे में। और उसके बाद में इसमें कोई भी चीज इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और उसके बाद में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। और आप इस चैनल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से भी।
और पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और मैं अगेन आपसे बोलूंगा, ये बुक अगर आपके पास में नहीं है, आपने परचेस नहीं करी है और कंपटीशन की तैयारी आप सीरियस तरीके से करना चाहते हैं, तो ये बुक आप मार्केट से परचेस कर लीजिए। मार्केट में जाइए, पता करिए, काफ़ी आसानी से ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। अगर वो कंपटीशन की बुक रखता है तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर इन केस नहीं मिलती है, मार्केट बहुत दूर है, कौन जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दूंगा, आप ऑनलाइन भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। राइट, तो ठीक है, लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।